आईफोन एस सी 3 2022। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको ये देखने को मिलने वाली है। शायद से आपको मार्च के मंथ में ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाए, जब दोस्तों एप्पल वालों की लॉन्च इवेंट होती है तो उसमें आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाए। ये फ़ोन दोस्तों आपको आईफोन एस सी 2 जो कि दोस्तों 2022 में लॉन्च हुआ था उसका सक्सेसर होने वाली है। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या कुछ मेजर्स एंड माइनर चेंजेस वगैरह हमें इस डिवाइस में देखने को मिलने वाली है, एंड क्या किस प्राइस रेंज के साथ ये डिवाइस आ सकता है इंडिया में। एंड दोस्तों एक बड़ी सवाल, क्या ये वर्थ है या फिर नहीं, क्या हमें इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं, तो आपके सभी प्रॉब्लम का कंक्लूजन दूंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। एंड अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात कर लूँ इस फ़ोन की डिज़ाइन की, तो दोस्तों एज एज वेल यहाँ पे आपको 4.5 इंचेज की डिस्प्ले देखने को मिले एंड बड़ी बड़ी बीजल्स भी देखने को मिलने वाली है। एंड दोस्तों एज एज वेल यहाँ पे आपको टच आईडी नीचे साइड में आपको देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली है यहाँ पे डिस्प्ले में एंड बेजल्स वगैरह में। तो यहाँ पे आप बोलोगे दोस्तों यहाँ पे बहुत से लीक्स वगैरह निकल के आई थी कि यहाँ पे आपको बिल्कुल से इसका बेजल्स ख़त्म हो जाएगी एंड बिल्कुल से इसका जो डिज़ाइंस है वो चेंज होने वाली, तो दोस्तों वो चेंज होने वाली है बट दोस्तों इस ऐसी में नहीं है। जो आपको नेक्स्ट ईयर 2022 में देखने को मिलने वाली है वहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाली है। शायद से दोस्तों आने वाले कुछ साल शायद से 2023 या 2024 में आपको जो ऐसी सीरीज के फ़ोन देखने मिलने वाली है वहाँ पे आपको दोस्तों ऐसी सीरीज में बहुत ही बड़ी चेंजेस देखने को मिलने वाली है हर मामले में, डिज़ाइन के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, कैमरे के मामले, हर चीज़ में आपको बिल्कुल ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाली है। बट दोस्तों अभी तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे जो एक बड़ी चेंजेस देखने को, यहाँ पे आपको बायोनिक A15 चिप देखने को मिलने वाली है जो कि दोस्तों अभी करेंटली आईफोन 13 सीरीज में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो ये दोस्तों 4 nm पे बेस्ड है, तो ये आपको बैटरी सेवर होने वाला है, ये आपको अच्छा बैटरी बैकअप देने वाला। एंड यस दोस्तों ये आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलने वाले। एंड अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इस फोन को यूज करना चाहते हो तो आप एंड ऑफकोर्स तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे एक और चेंजेस देखने को आपको मिलने वाली है वो दोस्तों आपको कैमरे में, यहाँ पे दोस्तों शायद से आपको हल्का बड़ा वाला कैमरा देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे रियर साइड में आपको थोड़ा बड़ा कैमरा मॉडल देखने को मिलने वाली है, शायद से सेंसर सेम ही हो लेकिन कैमरा मॉड्यूल आपको हल्की सी बड़ी देखने को मिलने वाली है। बट दोस्तों यहाँ पे और भी कोई मेजर चेंज देखने को नहीं, बस यही दो चेंजेस आपको एस सी 3 में देखने को मिलने वाली है। एंड दोस्तों अब बात कर ले इस फोन की प्राइसिंग की, तो किस प्राइस के साथ ये इंडिया में आ सकती है, तो ये अप्रॉक्स से आपको 40,000 से 50,000 के बीच में ये आने वाली है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन्स की बात कर दूँ, क्या हमें इसके लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं कहूँगा एक ही लाइन में, नहीं, आप इसके लिए वेट मत करो। इससे अच्छा आप यहाँ पे 40,000 से 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप आईफोन 11 की तरह चल जाओ, आप आईफोन 12 मिनी के तरफ चल जाओ, वो सब फ़ोन आपके लिए बेहतर है। बट दोस्तों अगर आप पॉकेट फ्रेंडली छोटा फ़ोन पसंद करते हो तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो, अगर नहीं तो आप दोस्तों आईफोन 11, आईफोन 12 मिनी के तरफ जा सकते हो। तो यही कुछ छोटी मोटी चेंजेस वगैरह आपको आईफोन SE 2022 में देखने को मिलने वाली है, बट यहाँ पे और कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा देना, बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो एंड नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपके लिए और भी बेहतर वीडियो और भी बेहतर कंटेंट लाऊं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स्ट टाइम।